नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में लग गई दीमक। सरकार के बड़े बड़े वादे शहडोल जिले में खोखले साबित हो रहे हैं। लाखों के बने स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटक रहे हैं। ग्रामीण इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाते दिख रहे हैं। आखिरकार सरकार के पैसों का जिले में बैठे जिम्मेदार दुरुपयोग कर रहे हैं। इलाज के नाम पर ग्रामीणों को इलाज के लिए जाना पड़ रहा है कोसों दूर। मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार की ग्राम पंचायत गोडिनपुटा का है, जहाँ बना लाखों का उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य कर्मियों के नाम आंसू बह रहा है। ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्र गोडिनबुड़ा इलाज के लिए तो आते हैं, पर गेट में लटक रहे ताले को देख सरकार को कोसते हुए वापस चले जाते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब से उप स्वास्थ्य केंद्र बना तब से आज तक कोई इलाज करने नहीं पहुंचा, वर्षों से यहाँ ताला लटक रहा है। वहीं एक मरीज जो बुखार व दर्द से कराह रहा था, उसने बताया कि दवाई लेने आए थे पर हमारी किस्मत खराब है, अस्पताल तो है पर इलाज करने वाला कोई नहीं। यहाँ पर सरपंच साहब, देखा जा रहा है ग्रामीण परेशान है, दवाई कराने आ रहे हैं मगर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, क्या कहेंगे आप? सर जी, 6 महीने के लिए CHO आई थी और उसने पता नहीं यहाँ क्यों नहीं थी। वो बोल रही थी कि यहाँ जंगल है, अकेले रहना पड़ता है, मैं कुंवारी लड़की हूँ, ऐसे करके वो यहाँ से अपना पद हटा के। यहाँ काहे के लिए आए हैं? दवाई करवाने। अच्छा, तबीयत खराब है आपकी? तबीयत खराब है। क्या लग रहा है? बुखार? बुखार चढ़ा थे, खांसी जुड़ा, गोड़ हाथ पीड़ा थे। अच्छा अच्छा है। हाँ, आओ दवाई कराने आए तो हॉस्पिटल बंद है। ये कब से बंद है? साल भर हो गया बंद, 2 साल हो गया बंद। अच्छा, खुले ही नहीं? खुले नहीं। तो आप कहाँ जाएंगे दवाई कराने? दवाई कराने बुढ़ार जाएंगे कि शहडोल?